मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। जो मन मुख मन का जो मन मुख मत का खोटा सो नित ही खावत छोटा। जो मन मुख मत का खोटा सो नित ही खावत छोटा। पढ़े पढ़ावे जोड़े कविता संत गुरु से प्रेम न करता। पावत है सो टोटा सो नित ही खावत छोटा। जो मन मुख मत का खोटा सो नित ही खावत छोटा। सहसे नार करे श्रृंगारा शोभा पायन बिन भरतारा। भोगत दुख सा कोटा सो नित ही खावत चो। का मन शांत न पावे भावे ब्रह्मा आ समझावे। जो कूप का लोटा सो नित ही खावत छोटा। सो नित ही खावत छोटा। मन मुख बन का कर्तव्य जानो मालिक बिन वो दुखिया मानो। खेत चरे सहसोटा सो नित ही खावत छोटा। सो नित ही खावत छोटा। कहता टेऊ तीन लोक में मन मुख दुखिया हर्ष शोक में। बिन सतगुर के ओटा सो नित ही खावत छोटा। सो नित ही खावत छोटा। राग भैरवी भजन सात। जो मन मुख मति का खोटा सो नित ही खावत छोटा। जो मन मुख वृत्ति को धारण करता है अर्थात मन के कहे अनुसार चलता है, गुरुदेव के वचनों पर आचरण नहीं करता, वो हमेशा ही दुख को प्राप्त करता है। भले ही कितना विद्वान बन जाए, कविताएं भजन बनाए, लेकिन संतों से गुरुदेव से जिसका मन का प्रेम नहीं, वो हमेशा ही टोटा अर्थात बहुत नुकसान को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से नारी कितने भी श्रृंगार करे लेकिन अपने भर्तार के बिना पति के बिना वो शोभा नहीं पाती, उसी प्रकार से गुरुदेव के बिना गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार आचरण न करने वाला अनंत दुखों को प्राप्त करता है। उसके मन में कभी शांति नहीं आती, भले ब्रह्मा जी स्वयं आकर उसे समझाएं, लेकिन उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से कुएं का लोटा होता है वो खाली का खाली रहता है, उसी प्रकार से वो मनमुख भी हमेशा शून्य उसके हृदय में रहता है, अशांति रहती है, दुख उसके हृदय में रहता है,
जिस प्रकार से जंगल में विचरण करने वाला गर्दभ बिना मालिक के दुखी होता है, दुख को प्राप्त करता है, सब जगह से उसको दुत्कार मिलती है, और खेतों में अगर चला जाता है तो उसको लाठी का प्रहार सहना पड़ता है। इसी प्रकार से तीनों लोकों में जो मनमुख है वो कभी सुख प्राप्त नहीं करता, हमेशा दुखी रहता है। गुरुदेव के आधार के बिना, आश्रय के बिना, अपने मन के कहे के आचरण करने वाला जीव हमेशा दुख, संकट, कष्ट, जन्म मृत्यु को प्राप्त करता है। पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश
पठन मनन से होता है, पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतरदृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरा प्रवाणी हिंदी अमरा प्रवाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।